वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आई एम ऑल्सो अ रिसर्च स्कॉलर एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पर्सुइंग माय पीएचडी। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन फैक्ट, विच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम मी बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू हूम आई हैव गाइडेड फॉर यूजीसी नेट। द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज सर, हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि जो रिसर्च प्रपोजल लिखने का टास्क है, इट रिक्वायर्स सेवरल स्टेजेस एंड अंटिल यू गो थ्रू ऑल दीज स्टेजेस सिस्टमैटिकली यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ गुड रिसर्च प्रपोजल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट स्टेज और द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई अ टॉपिक फॉर विच यू आर गोइंग टू राइट अ प्रपोजल। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर टॉपिक कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। सो द वेरी बेसिक थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी आज आप टॉपिक चूज करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 years। सो दिस सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कैन नॉट बी अ रैंडम प्रोसेस। ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं हो सकती है कि आपको किसी प्रोफेसर ने बता दिया या फिर आपके किसी सीनियर ने बता दिया, या फिर कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आजकल डेटा एनालिटिक्स का बहुत हम नाम सुन रहे हैं न्यूज़पेपर में, या फिर काफी ज्यादा न्यूज आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो क्या इन टॉपिक्स पे पीएचडी कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ रैंडम फिनोमिना एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी ऑफ दीज स्टेप्स और एनी ऑफ दीज प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू चूज योर पीएचडी टॉपिक। सो सबसे पहले आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा एंड देर इज गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बट इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। सो द इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इज रीड अ लॉट ऑफ लिटरेचर। फॉर इंस्टेंस लेट अस से कि आपको ये पता है कि आपको फाइनेंस में पीएचडी करनी है, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है बट यू डू नॉट नो कि फाइनेंस के किस टॉपिक में पीएचडी करनी है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है दैट यू स्टार्ट डेवलपिंग योर इंटरेस्ट इन वन और टू टॉपिक्स जिसमें से फिर आप फाइनली चूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, सर किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि हमारा इंटरेस्ट पूरे फाइनेंस में है, उनमें से कौन से एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें हमारा इंटरेस्ट लाई करता है। तो वेरी बेसिक अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टार्ट रीडिंग अ लॉट। You can go to websites like ShodhGanga और ResearchGate, जहां पे आपको अलग अलग फाइनेंस के टॉपिक्स के अंदर रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक्स बैंकिंग के पढ़ के देख लीजिए, कुछ टॉपिक्स स्टॉक मार्केट के पढ़ के देख लीजिए, कुछ टॉपिक बॉन्ड वैल्यूएशन के पढ़ के देख लीजिए और सम अदर टॉपिक्स बीट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग और HR। जब आप 4-5 टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इट इज वेरी नेचुरल कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत बोरिंग लगेंगे, आप उसको नहीं पढ़ना चाहेंगे। स्पेंड सम टाइम, स्पेंड अ पीरियड ऑफ 1 month और सो एंड रीड अ कपल ऑफ पेपर्स, थोड़े से पेपर्स पढ़ लीजिए। देर इज नॉट नो क्वांटिटी बेस्ड नंबर, कोई एक नंबर नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूं, बट रीड अ कपल ऑफ पेपर एंड स्टार्ट फाइंडिंग योर इंटरेस्ट, बिकॉज 3 to 4 years पढ़ना है तो इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस यू हैव डेवलप योर इंटरेस्ट इन टू वन टॉपिक, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि इस टॉपिक में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एंड आई कैन गो अहेड, देन यू मूव टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जिसके बारे में हम अपनी सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर द फर्स्ट स्टेप यू कैन स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ लिटरेचर एंड एज वी मूव फर्दर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेकेंड स्टेज एंड सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू थिंक दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वील कंटिन्यू विद सच वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।